मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक छोटी सी घटना जरूर याद करना चाहूँगा। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने पकड़कर उस समय लेकर गए थे, आगरा के अंदर किले में बंद कर लिया था, पर शिवाजी महाराज ने खुद के लिए नहीं पर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए वहाँ से तरीके से बाहर आए, और बाहर आए इसलिए भारत के अंदर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर सके। ऐसा ही माननीय एकनाथ राव जी शिंदे को रोकने की भी बहुत कोशिश हुई, पर आप भी शिंदे साहब बाहर आए, और आप बाहर आए तो आज ये उल्लास है। महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्र प्रेमियों की हिंदुत्व की सरकार आई है आपके नेतृत्व में। शिवाजी महाराज के जिस तरह से उनके मन में जो हिंदवी स्वराज्य की कल्पना थी वो आप और देवेंद्र जी साकार कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आनंद आज किसी को छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में किसी को हो रहा होगा तो आपके गुरु आनंद राव जी दिगे को हो रहा होगा। उनको भी प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।